भाईगण और सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत जनों को नमन। लोकतंत्र माने वह तंत्र जिसकी स्वायत्तता लोक के हाथ में होती है। लोकतंत्र माने वह जिसमें हमें राजा के चरण धूल चाटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र माने वह जिसे पटेल की एकता की भावना ने गढ़ा है। लोकतंत्र माने वह जो इंदिरा की गोदी में पला बढ़ा है। लोकतंत्र माने वह भूमि जिसमें राष्ट्र की अट्टालिका का निर्माण होना है। लोकतंत्र माने वह जिसमें लोक लुभावन वादों के नहीं अभी तो लोक मंगल के विचारों की अहमियत है। नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी आर एस मुंडे कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय नागपुर से सदन द्वारा दिए गए विषय लोकतंत्र का मुखौटा इस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मन्यवत, जब मैं लोकतंत्र के इन्हीं सारे विषयों को देखता हूँ तभी मेरे बुद्धिपट पर एक चित्र आ जाता है और वह चित्र एक पंक्ति के माध्यम से बया होता है कि जुटे हैं भांति भांति के लोग कर रहे हैं मनचाहा उपभोग जैसे जूठन थाली की संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की। मन्यवत, जब मैं विषय के प्रथम भाग को देखता हूँ तो प्रथम शब्द होता है लोकतंत्र। मुझे यह लोकतंत्र कुछ अक्षरों का समूह मात्र प्रतीत नहीं होता बल्कि वह शक्ति वह प्रचंड ज्वाला प्रतीत होती है जिसमें आदर्श की प्रमाद की सारी लकड़ियां धु धू कर जल उठती है। यह कोई संज्ञा अथवा संबोधन नहीं है, यह तो मध्वस्त क्रांतिकारी के हाथ में गोलियों से भरी पिस्तौल है, यह कहीं बापू के हाथ में उठा दांडी का नमक है तो कहीं बाबा साहेब आम्बेडकर के हाथ में उठा महार तालाब का पानी। परंतु यह लोकतंत्र आज रंगमंच का पर्याय बन चुका है जहां हमारे नेता रूपी अभिनेता आते हैं अपना नाट्य प्रदर्शन करते हैं और चल देते हैं वातानुकूलित सेवाओं का उपभोग करने के लिए। कभी कभी हमारा प्रतिनिधि जिसे हम प्रतिनिधि कहते हैं वह तो केवल मात्र निधि बटोरने के लिए प्रस्तुत है। हमारा प्रतिनिधि आता है चर्चा सत्र पर तो कभी कभी लुप्त रहता है और कभी आता है तो चर्चा को उस स्तर पर पहुंचा देता है जहां पर संसद स्थगित हो जाया करती है। मतलब कभी तो चूल्हा इन्हें जलेगा और जलेगा तो भांड ही फोड़ देंगे। इस पर पंडित नेहरू कहते थे कि इतिहास संसद में लगने वाले समय को याद नहीं रखेगा, वह तो याद रखेगा जिनसे हमारे देश का राष्ट्र का निर्माण होना है। मन्यवर, जहां अंधियारमय रात्रि में प्राची अपना घट उंडेलने के लिए तैयार थी और सन 47 में लोकतंत्र का जन्म हुआ, सन 51 में बारसा हुआ और हमने प्रण लिया कि संविधान की सहायता से इस लोकतंत्र को राष्ट्रपुरुष बनाएंगे और राष्ट्र निर्माण करेंगे। परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, हमने 84 के सिख दंगे, 86 के कश्मीर दंगे और 2002 के गोधरा कांड की सीढ़ियां चढ़ते हुए न जाने कब दिल्ली में 10 जनपद, मुंबई में मातोश्री, बारामती में गुलाब बाग और यूपी में यादव विला का निर्माण कर बैठे। मन्यवर, जब जब मैं देखता हूँ इस लोकतंत्र में गिरते हुए पेड़ से जमीन कांप जाया करती है, जब जब मैं देखता हूँ बिना चर्चा सत्र के संसद में बिल पारित हो जाया करते हैं, जब जब मैं देखता हूँ धर्म राजा के हाथ में ऐसी बेड़ी डाल देता है कि वह एक दूसरे को आग लगाते हुए देखकर भी मौन बैठा रह जाता है, जब जब मैं देखता हूँ हमारे देश के नेताओं का ईवीएम चुनाव आयोग से विश्वास उसने लगता है, तब तब मुझे लगने लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं पर लोकतंत्र है। मान्यवर, आज हमारे देश में यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दागी प्रत्याशियों का सक्सेस रेट 16% और हमारे देश के साफ छवि वालों का सक्सेस रेट 5% है। यदि बिहार विधानसभा पर नजर डालें तो इसके 243 विधायकों में से 142 विधायकों पर हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज है। आज हमारे देश में लोकतंत्र के चारों स्तंभ जर्जर अवस्था में है। न वह न्यायपालिका है, न कार्यपालिका है, न वह सच्ची पत्रकारिता है। आखिर यह लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? मैं पूछना चाहूंगा जिस देश के साहित्य ने यह बात कह दी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिस देश के साहित्य ने यह बात कह दी कि सियासत को लहू पीने की लत है मगर ना मुल्क में सब खैरियत है, जिस देश के साहित्य ने इंदिरा जी के निरंकुश शासन को देखकर यह बात कह दी कि इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को भूल गई बाप को, आखिर यह लोकतंत्र कैसा है? मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र नहीं वरन लोकतंत्र का मुखौटा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के नेताओं द्वारा इस लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, इसलिए तो मुझे लगता है कि आज हमारे देश में लोकतंत्र नहीं वरन लोकतंत्र है। इसलिए तो हमारे देश में कभी बीमा घोटाला तो कभी सीमा घोटाला
कभी स्कैम ऑफ पोल तो कभी टूजी का झोल, कभी बोफोर्स घोटाला तो कभी कांड हवाला, कभी नरेगा घर भर जाए तो कभी कोई चारा चक जाए, कभी अगस्टा का खेल तो कभी डील ऑफ राफेल। आखिर यह लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है? इस प्रकार की स्थितियों को देखने के बाद अटल जी की इन्हीं सकारात्मक पंक्तियों से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि आओ फिर से दिया जलाए, कि आओ फिर से दिया जलाए, भरी दुपारी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।